इंदौर शहर में लगातार पुलिस मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले मुनाफाखोरी और तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते तेजाजी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जिनके नाम राजेश भास्करा है, लगभग 5 किलो के ऊपर वह गांजा शहर में तस्करी करने जा रहा है। उसी के चलते पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध तस्कर को गिरफ्तार किया और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड में और भी खुलासे हो सकते हैं। हुआ है, कितना क्या माल जब्त हुआ, कितने आरोपी हैं? श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में इंदौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्रीमान DIG महोदय और श्रीमान SP ईस्ट महोदय तथा एडिशनल SP महोदय के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इन सभी निर्देशों के तारतम्य में आज़ाद नगर सर्किल की पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों एवं सूचीबद्ध गुंडों और निगरानी बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही कर रही है, जो हाल ही के समय में लगातार की गई बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में परिलक्षित हुआ है। इसी क्रम में कल रात्रि 8 बजे के आसपास एक विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्लास्टिक की 2 थैलियों में गांजे का परिवहन कर रहा है और जिसके सूचना मिलने पर मेरे द्वारा थाना प्रभारी तेजाजी नगर श्री भदौरिया और उनकी टीम को इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा ग्राम मोरोत से राजेश सन ऑफ बद्रीलाल मस्करा उम्र 50 साल को गांजा का परिवहन करते हुए, जो गांजा लगभग 5 किलो 300 ग्राम मात्रा में है, वो करते हुए पकड़ा गया। और ये जिसके तहत 8 थाना तेजाजी नगर में 8/20 NDPS एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और ये चूँकि गांजे की तस्करी, आप भी जानते हैं कि इंदौर और इंदौर से सटे हुए ज़िले खंडवा खरगोन आदि, ये भी एक चेन रहती है कि यहाँ से गांजा जनरली सप्लाई होकर के इन्फ्लक्स होता है इंदौर में, तो हम इन सारी चेन्स को टटोल रहे हैं कि ये गांजा, ये व्यक्ति जो है वो गांजा एग्जैक्टली किस व्यक्ति से प्राप्त करता है और ये किस कहाँ खफा रहा था गांजा। इस संबंध में इसको PR पे लेकर के हम विधिवत इससे पूछताछ करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।